हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल JGD एजुकेशन में। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए नर्सिंग मिडवाइफरी एनम जेनम से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेकर के आए हैं, जो कि ऑप्शनल है, बिल्कुल पिछली वीडियो की तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अस्पताल में सबसे कम नर्सिंग स्टाफ मिलता है? ऑप्शन ए दिल के अस्पताल में, ऑप्शन बी जच्चा बच्चा के अस्पताल में, ऑप्शन सी मानसिक अस्पताल में, ऑप्शन डी पेडियाट्रिक अस्पताल में। तो गाइस, ए बी सी डी इस चार ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसिक अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अस्पताल में सबसे निचले स्तर पर होती है वो क्या होती है? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए नर्सिंग ट्यूटर, ऑप्शन बी स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन डी नर्सिंग डायरेक्टर। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइएगा। तो चलिए आइए बताते हैं आपको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टाफ नर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने बिस्तर होते हैं? तो ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी छः, ऑप्शन डी 12। राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बिस्तर होते हैं। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेन का विश्लेषण करने के लिए कौन सा नमूना सर्वोत्तम होता है? ऑप्शन ए 1 से 2 दिन के समय का नमूना, ऑप्शन बी 3 से 5 दिन के संयम का नमूना, ऑप्शन सी 5 से 7 दिन के संयम का नमूना, एंड ऑप्शन डी 7 से 15 दिन के संयम का नमूना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 से 5 दिन के संयम का नमूना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक हृदय रोगी स्त्री आयु के कौन सी अवस्था में गर्भधारण अच्छी तरह से कर सकती है? तो मतलब कि जो हृदय की रोगी हो वह स्त्री का पूछा है। तो ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, एंड ऑप्शन डी 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 20 वर्ष। 20 वर्ष में वो अच्छी तरह से गर्भधारण कर सकती है। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए 20। नेक्स्ट, निम्न में से गोनोकोकस का उपचार सॉरी गाइस, एक्चुअली खांसी आ रही है मुझे, उपचार कौन सा है? ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी सल्फिनोमाइड, ऑप्शन डी एरिथ्रोमाइसिन। राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इज द राइट आंसर पेनिसिलिन।
चेंज करते हैं अगला प्रश्न। फैलोपियन ट्यूब की जांच हेतु कौन सा परीक्षण प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए रूबिन परीक्षण, ऑप्शन बी हिस्टोसेपिंजियोग्राफी, ऑप्शन सी लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन डी फर्न परीक्षण। इस चार ऑप्शन में से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फर्न परीक्षण। नेक्स्ट, कर्फ निरोधक गोलियों का सेवन मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से शुरू करना चाहिए? ऑप्शन ए तीसरे दिन से, ऑप्शन बी पांचवें दिन से, ऑप्शन सी सातवें दिन से एंड ऑप्शन डी पहले दिन से। तो बताइएगा, कुछ गेस कीजिएगा गर्ल्स, कमेंट कीजिए। चलिए तो हम बता देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पांचवें दिन से। इस गोली का इस्तेमाल पांचवें दिन से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। पढ़ने के बाद जैसा लगे वो कमेंट करके भी बताया करिए। तो क्वेश्चन में दिया है, निम्न कोशिकाओं में से पित्त किन कोशिकाओं द्वारा श्रावित होता है? ऑप्शन ए पित्त कोशिका, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, ऑप्शन सी वूफर्स कोशिका एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत कोशिका। यकृत कोशिका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लसीके नोड्स नए लिम्फोसाइट्स का निर्माण निम्न में से किसके लिए करता है? ऑप्शन ए श्वसनीय तंत्र, ऑप्शन बी परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी मूत्रीय तंत्र, ऑप्शन डी पाचन तंत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद होती है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 79%, ऑप्शन सी 0.04%, ऑप्शन डी 25%। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबको पता है कि 21% होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से जीवाणु से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी एड्स एंड ऑप्शन डी चिकनगुनिया। ऑप्शन बी राइट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला, शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्रवण निम्न में से किस कारण से कम हो जाता है? ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन बी तनाव, ऑप्शन सी घबराहट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तो बिल्कुल गेस करके आप बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सभी, क्योंकि सभी के कारण, उपरोक्त सभी चिंता तनाव घबराहट के कारण ऑक्सीटोसिन का स्रवण हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रेक्टल प्रोलेप्स का कारण क्या है? ऑप्शन ए अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी कुपोषण एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके, राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हड्डी व दांतों के निर्माण व वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी
एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगी। ओके, कमेंट कीजिए, तब तक देखते हैं अगला प्रश्न। टिटनेस का कारक जीवाणु है, कौन सा जीवाणु? ऑप्शन ए क्लास्ट्रिडियम टिटैनी, ऑप्शन बी ट्रेपोनेमा फैलिडम, ऑप्शन सी डिप्लोकॉकम न्यूमोनी, ऑप्शन डी वर्सिलस एंथ्रेसिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लास्ट्रिडियम टिटैनी। टिटनेस का कारक क्लास्ट्रिडियम टिटैनी जीवाणु है। नेक्स्ट, गलशुओं में सूजन या प्रदाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टॉन्सिलाइटिस, ऑप्शन बी राइनाइटिस, ऑप्शन सी एडिनाइट्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका, राइट आंसर गेस कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइन्स लाइटिस। नेक्स्ट, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी बेंगलोर में। तो बताइए कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन बी दिल्ली में, दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज स्थित है। अगला प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान महिला को लगने वाले टीकों की संख्या, ऑप्शन ए दो महीने के अंतर पर, ऑप्शन बी चार एक महीने के अंतर पर, या फिर ऑप्शन सी दो तीन महीने के अंतर पर, ऑप्शन डी तीन एक से महीने के अंतर पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दो इंजेक्शन, दो टीका लगता है तीन महीने के अंतर पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मनोविज्ञान को प्रेरित करना कहलाता है? ऑप्शन ए मनोवेग, ऑप्शन बी मनोविकास, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनोवेग। मनोवेग प्रेरित करना कहलाता है किसको? मनोविज्ञान को। अगला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का वजन होता है, ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी शरीर की लंबाई के अनुपात में उचित। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर की लंबाई के अनुपात में उचित। अगला प्रश्न, मन का केंद्र मस्तिष्क में है, किसने कहा है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन सी वाल्व, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ये जिस वैज्ञानिक ने कहा है उसका नाम है ऑप्शन सी वाल्व। अगला प्रश्न, एक सौ छब्बीस ब्रेडीकार्डिया में से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए हृदय गति 60 से कम हो, ये जो 126 दिया है वो कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन संख्या था, गलती से यहाँ पर एडिट्स हो गया था। क्वेश्चन में पूछा है ब्रेडीकार्डिया से आप क्या समझते हैं, तो ऑप्शन ए है हृदय गति 60 से कम हो, ऑप्शन बी हृदय गति 80 से कम हो, ऑप्शन सी 100 से कम हो, या ऑप्शन डी 120 से कम हो। राइट आंसर विल बी है पेन टू, ऑप्शन नंबर
ए हृदय गति 60 से कम हो। अगला प्रश्न, ग्राविडा का अर्थ है ऑप्शन ए शिशु जन्मों की संख्या, ऑप्शन बी गर्भवती की संख्या, ऑप्शन सी जन्मे शिशु की संख्या एंड ऑप्शन डी गर्भावस्थाओं की संख्या। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्थाओं की संख्या। अगला प्रश्न, दिल्ली के लेडी हार्डिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1946 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान नहीं है ऑप्शन ए क्रियाओं का विज्ञान, ऑप्शन बी चेतना का विज्ञान, ऑप्शन सी मन का विज्ञान एंड ऑप्शन डी मानव विकास। तो इसमें से मनोविज्ञान नहीं है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मानव विकास। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टी को कितने समय तक पानी में भिगोते हैं? ऑप्शन ए 30 सेकेंड, ऑप्शन बी 50 सेकेंड, ऑप्शन सी 5 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 5 मिनट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टी को कितने समय तक पानी में भिगोते हैं तो वो हो जाएगा 5 सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 सेकेंड। गाइस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा है आज का वीडियो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।